एक और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी बयान सामने आया है। पूरे मामले पर विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है, एक बड़ा इल्जाम, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, पीयूष गोयल ने कहा है। मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए, उनका आरोप है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है। के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है कांग्रेस शासित प्रदेशों में, उससे भागने के लिए, उससे छुपने के लिए शायद कांग्रेस ने देखा जब सरकार मणिपुर की चर्चा करने के लिए तैयार है तो अब वो भाग रहे हैं चर्चा से, और जिस सदन में वो कार्रवाई नहीं चलाने देना चाह रहे हैं तो उसमें ये नया अड़ंगा डालने का कोई मतलब ही नहीं। ये भी स्पष्ट होने दो आपको, 176 में शॉर्ट ड्यूरेशन में कई अपोजिशन पार्टी के एमपी ने नोटिस दिया है, उनको उनके मन में यह था कि 176 में भी हम चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे। जब हम तुरंत चर्चा के लिए तैयार होंगे तब उनके मन में आया कि अभी और कहा और एक बहाना ढूंढेंगे और सदन का कार्यवाही को हम रोक देंगे। दिस इज देयर एटीट्यूड। धन्यवाद। तो समझ ये नहीं आता कि जहां पर संवेदना दिखानी चाहिए वहां पर सियासत ही हमें देखने को क्यों मिलती है। सीधे रुक कर लेते अपने सहयोगी रमन का। रमन, अभी हमने देखा विपक्ष का जोरदार हंगामा प्रदर्शन देखने को मिला है सड़क से लेकर संसद तक, और प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुका है। क्या कुछ अपडेट्स है फिलहाल मणिपुर मामले पर, किस तरह की हलचलें देखने को मिल रही है, क्या उबाल है, क्या बवाल है? कोशिश करेंगे दोबारा बातचीत करने की उनसे। तो देखिए, पीयूष गोयल ने बड़ा इल्जाम लगाया है विपक्ष पर। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है। तो देखिए कैसे मणिपुर पर महाभारत मचा हुआ है।